सो गाइस आईपीएल 2021 का ऑक्शन 18 तारीख को होना है और गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चेन्नई सुपर किंग की आईपीएल 2021 के टारगेट प्लेयर के लिस्ट के बारे में। हाँ गाइस, ये जो वीडियो आ रही है वो आपके ही रिक्वेस्ट पे आ रही है क्योंकि काफी लोग हमारे कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट पूछे थे कि भाई आप अब ऐसी एक वीडियो लाइए जिसमें चेन्नई सुपर किंग वो कौन से खिलाड़ी रहने वाले हैं जिन्हें टारगेट करने वाली है। सो गाइस इस वीडियो में पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से खिलाड़ियों के पीछे बिडिंग करने वाले हैं, कौन से इनके टॉप पिक्स रहने वाले हैं, यानी तीन खिलाड़ियों का नाम बताने वाला हूं जो कि इनके टॉप पे रहने वाले हैं, यानी इन्हीं खिलाड़ियों में से किन्हीं ना किन्हीं एक खिलाड़ी के पीछे बोली लगाने वाले हैं। और गाइस इसे मैं बिल्कुल से यूनिक वे में वीडियो बनाने वाला हूं। सो गाइस काफी डिटेल वीडियो रहने वाली है, अभी से लेके पूरा एंटायर एंड तक देखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अगर मैं बात करूं इस कैटेगरी की तो यहां पे मैंने तीन कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले बैट्समैन की बात होगी, फिर ऑलराउंडर्स की बात होगी और उसके बाद बॉलर्स की बात होगी, यानी इन तीन कैटेगरी के बारे में बात होने वाली, इन तीन पक्ष के बारे में बात होने वाली है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बैट्समैन की। हाँ गाइस अगर बात करूं रिटेंशन की, सबसे पहले रिटेन खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा कि आखिर वो कौन से सात बल्लेबाज रहने वाले हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग ने पहले ही से अपने टीम में रिटेन करके रखा है। सो गाइस अगर मैं उन बल्लेबाजों के नामों की बात करूं, सुरेश रैना, एमएस धोनी, एन जगदीशन, ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, अंबती रायडू और फाफ डू प्लेसिस, तो गाइस ये सात खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि रिटेन और ट्रेड होकर चेन्नई के टीम में जुड़े हुए हैं। यानी गाइस यहां पे ये सात बल्लेबाज फिलहाल में हैं, लेकिन अभी भी चेन्नई को जरूरत है इस बार के मिनी ऑप्शन में ऐसे बल्लेबाज के लिस्ट के बारे में, एक ऐसे बल्लेबाज की जो कि इन्हें टॉप ऑर्डर में काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल पाए। और ये बात करें तो चेन्नई इसके बारे में जरूर देखना चाहेगी। सो गाइस अगर मैं बात कर लेता हूँ अब इनके ऑप्शन पिक्स के बारे में, सो गाइस इस बार के नीलामी में ये डेविड मलान, स्टीव स्मिथ और शाहरुख खान में से किसी एक खिलाड़ी के पीछे जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बात करूँ डेविड मलान और स्टीव स्मिथ की बात करूँ तो यहाँ पर फिर दो में से किन्हीं एक खिलाड़ी के पीछे जाने वाले हैं। अब देखना होगा कौन सा खिलाड़ी मिल पाता है या फिर इन दोनों में से कोई भी खिलाड़ी नहीं मिल पाता है, वो तो बाद की बात है। लेकिन ये आप 100% समझ के रखिए कि चेन्नई इन दो खिलाड़ियों में से कोई ना कोई एक ऐसा खिलाड़ी रहने वाला है जिसके पीछे ये हैमर जरूर से उठाएंगे। अब देखना होगा कौन सा खिलाड़ी फंसता है, कौन सा खिलाड़ी इनके टीम में आता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पे स्टीव स्मिथ की बात करूँ तो यहाँ पे अगर चेन्नई की टीम में ये जुड़ जाते हैं तो एज अ फ्यूचर कैप्टन और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज इनके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं। डेविड मलान की बात करूँ तो ये इनके ओपनिंग और टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रहेंगे जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। और वही बात करूँ शाहरुख खान की तो शाहरुख खान इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी साबित होने वाले हैं क्योंकि इस बार के डोमेस्टिक में इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। इसी के दम पे यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग इनके पीछे 100% विश्वास है कि इनके पीछे बोली लगाती हुई नजर आने वाली। और गाइस इस तरीके से ये तीन बल्लेबाज रहने वाले हैं, इनके ऑप्शन पिक रहने वाले हैं जो कि टॉप मोस्ट इनके लिए पिक्ड बन सकते हैं। और गाइस देखना होगा कि आखिर कौन सा बल्लेबाज रहता है जो कि चेन्नई की टीम में एट द एंड में शामिल हो ही जाता है। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं ऑलराउंडर्स की। ये पक्ष अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे चेन्नई थोड़ी सी कटी कटी दिख रही है क्योंकि सिर्फ चार ऑलराउंडर इनके पास है। अगर आप देखेंगे अगर ओवर एंड ऑल अगर इनके आप स्ट्रेटेजी देखेंगे, टीम अगर आप उठा के देखेंगे तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ चार ऑलराउंडर बचे हुए हैं। उन ऑलराउंडर्स के नामों की बात, रविंद्र जडेजा, सैम करन, मिचेल सेटनर और ड्वेन ब्रावो। सो गाइस ये चार इनके पास ऑलराउंडर फिलहाल में मौजूद है लेकिन चेन्नई को अभी भी जरूरत है एक से लेकर दो अच्छे ऑलराउंडर की, वो भले ही इंडियन हो या फिर फॉरेन खिलाड़ी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चेन्नई को जरूरत है एक और दो एक ऐसे ऑलराउंडर की जो कि बैकअप के रूप में हो सकता है। फ्रंट लाइन अगर ऑलराउंडर आ गया तो इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं कौन कौन से ऑलराउंडर के पीछे बोली लगाते हैं, मैक्सवेल, शाकिब अल हसन, अर्जुन तेंदुलकर, क्रिस मॉरिस, शिवम दुबे और कृष्णप्पा गौतम। सो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि इनके लिस्ट में शामिल होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ वो कौन से टॉप पिक्स रहने वाले हैं जिनके पीछे चेन्नई जरूर से बोली लगाने वाली है, सो गाइस पहले खिलाड़ी का नाम है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात करूं तो यहाँ पे चेन्नई इस समय इनसे फिलहाल में बात भी कर रही है। अब देखना होगा कि इनकी प्राइस कितनी जाती है, अगर इनकी प्राइस एकाएक काफी ज्यादा हाई चली जाएगी, चेन्नई के अगर पर्स वैल्यू पे सूट नहीं करेगी तो ऐसे में यहाँ पे चेन्नई इनके पीछे नहीं जाने वाली है। लेकिन अगर ऐसे जैसे अगर यहाँ पे 7-8 करोड़ में अगर यहाँ पे मैक्सवेल मिल जाते हैं चेन्नई को तो चेन्नई जरूर से इन्हें अपने टीम में रख लेगी। और मैक्सवेल नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में शाकिब अल हसन के पीछे ये दिखते हुए नजर आने वाले हैं। शाकिब अल हसन भी इस बार के नीलामी में जुड़ चुके हैं, उन्होंने अपना नाम दे दिया है।
बेस प्राइस इनका 2 करोड़ है, लेकिन देखना होगा कि कौन सी टीम इन्हें पिक करती है। चेन्नई भी इनके पीछे हैमर उठाने वाली है, अगर यहाँ पे बैट्समैन या फिर मैक्सवेल नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में शाकिब अल हसन वो खिलाड़ी रहने वाले हैं जिन्हें चेन्नई 100% कन्फर्म है कि विश्वास करने वाली है। अगले ऑलराउंडर की बात करूँ तो यहाँ पे कृष्णप्पा गौतम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कृष्णप्पा गौतम, शिवम दुबे ये भी खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि इंडियन कंडीशन में काफी अच्छा खेल सकते हैं। चेन्नई जरूर से इन्हें रखने वाली है। कृष्णप्पा गौतम में ये खूबी है कि ये बॉलिंग भी अच्छी तगड़ी कर सकते हैं और बल्लेबाजी ये काफी ज्यादा अच्छी करते हैं, तो इस वजह से इनके पीछे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर यंग टैलेंट को अगर देखना चाहेंगे तो शिवम दुबे भी इनके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। सो गाइस इस वजह से ये ही रहने वाले हैं ऑप्शन पिक्स जो कि चेन्नई के लिए काफी ज्यादा बेटर साबित हो सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम बात करने वाले हैं अब तीसरे डिपार्टमेंट के बारे में। हाँ गाइस, यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे तीसरा डिपार्टमेंट भी इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। इनके पास बॉलर्स की बात करें तो कुल मिला के 7 गेंदबाज चेन्नई के पास मौजूद है। अगर उन गेंदबाजों के नामों की बात कर लें तो यहाँ पे KM असीफ, जॉस एजलवुड, करण शर्मा, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, लुंगी एनगिडी और इमरान ताहिर। सो गाइस ये बॉलर्स हैं जो कि फिलहाल में चेन्नई की टीम में शामिल है। बॉलिंग तो इनकी काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा यंग टैलेंट चाहिए, एक ऐसा बॉलर चाहिए जो कि इंडियन कंडीशन और काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करता हो। बॉलर्स की तरफ देख लेते हैं, ऑप्शन पिक्स की तरफ देख लेते हैं तो यहाँ पे उमेश यादव, जेम्स पैटिंगसन, नाथन कुल्टर नाइल और मुजीबुर रहमान। सो गाइस ये खिलाड़ी रहने वाले हैं, ये 4 बॉलर्स रहने वाले हैं जिनके पीछे चेन्नई जरूर से बोली लगाने वाली है। मुजीबुर रहमान की बात करें तो यहाँ पे अगर इन्हें चेन्नई अगर पिक कर लेती है तो ये भी काफी ज्यादा अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे चिपॉक स्टेडियम में इनकी काफी ज्यादा टूटी बोलती हुई नजर आने वाली है। और वहीं पे अगर बात करें फास्ट बॉलर में तो यहाँ पे उमेश यादव को ये 100% देख रहे हैं। अगर यहाँ पे इस समय बात करूँ तो ये इनके टॉप मोस्ट पिक में अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं। उमेश यादव के पीछे ये 100% कन्फर्म है कि चेन्नई सुपर किंग बोली लगाने वाली है। और ऐसा भी लग रहा है, कन्फर्म लग रहा है कि उमेश यादव IPL 2021 में यहाँ पे चेन्नई के साथ जुड़ी जाएंगे। और अगर बात करूँ अगर अगले बॉलर की अगर बात करें तो यहाँ पे जेम्स पैटिंगसन और यहाँ पे नाथन कुल्टर नाइल में से किन्हीं एक खिलाड़ी के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक विदेशी खिलाड़ी का स्लॉट बचा हुआ है। अगर यहाँ पे ऊपर बैट्समैन नहीं मिल पाते हैं या फिर मैक्सवेल नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे में यहाँ पे बॉलर्स की तरफ इन्हें देखना पड़ेगा। और बॉलिंग में बात करें तो नाथन कुल्टर नाइल ये कैसे हो सकते हैं गेंदबाज जो कि चेन्नई के रडार पे चढ़ सकते हैं। चेन्नई इनके पीछे जरूर से जा सकती है और नाथन कुल्टर नाइल इनके लिए बेस्ट बॉलर साबित हो सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की इस वीडियो में बता रहा था जो कि ऑप्शन स्ट्रेटजी फिलहाल में चेन्नई की तरफ से निकल के आ रही है। सो गाइस फाइनली आप बताइए कि आखिर कौन कौन सा खिलाड़ी और हो सकते हैं जो कि चेन्नई के लिए यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटजी में शामिल हो सकते हैं। और गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। और गाइस कल के वीडियो में मैं आपको स्क्वाड बताने वाला हूँ चेन्नई सुपर किंग की। हाँ गाइस कल के वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर कैसी रहने वाली है IPL 2021 में चेन्नई सुपर किंग का फुल स्क्वाड। हो गए उस वीडियो के लिए भी रेडी हो जाइए। और इस वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों के साथ वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ।